सुबह का समय था। सभी लोग रोज की तरह अपने अपने काम में लगे थे। कोई बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहा था तो कोई पार्क में दौड़ लगा रहा था और कोई रेनकोट पहने ऑफिस जाने के लिए सड़क किनारे खड़े होकर टैक्सी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि आज बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। प्रभात भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। सुमन, जरा जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। कब आएगा मेरा नाश्ता? सुमन किचन से प्रभात के लिए नाश्ता लाती है। ये लो, तुम्हारा नाश्ता तैयार है। लाओ जल्दी, जल्दी जल्दी नाश्ता करूं और ऑफिस के लिए निकलूं। पहले ही बहुत लेट हो गया है और ऊपर से ये बारिश, इस बारिश ने तो हद ही कर दी है। 3 दिन हो गए पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। प्रभात नाश्ता करके जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता है, तभी काम वाली शकुंतला भी आ जाती है। अब आ रही हो? तुम्हारे साहब ऑफिस के लिए निकल भी चुके हैं, उनके लिए नाश्ता मुझे बनाना पड़ा। मैडम, बारिश की वजह से लेट हो गई, हर जगह पानी भरा पड़ा है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाकर काम करो। सुमन और प्रभात का एक बेटा भी है, शौर्य, 12 साल का। भारी बारिश की वजह से आज उसके स्कूल की छुट्टी है, जो अभी सो रहा है, और सुमन सोफे पर बैठी हुई टीवी देख रही थी। अचानक ऐसी न्यूज़ देखकर वो हक्का बक्का रह जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, अभी अभी घाटी से न्यूज़ आ रही है कि यहाँ बादल फटा है और बादल फटने से कई लोगों की जान जा चुकी है, जिसने अब भयानक बाढ़ का रूप ले लिया है और ये शहर की तरफ बढ़ती जा रही है। और हम सभी देशवासियों से अनुरोध करते हैं कि वो कोई सुरक्षित जगह पर पनाह ले ले। धन्यवाद। ये सब क्या दिखा रहे हैं? अब मैं क्या करूं? मैडम, क्या हुआ? आप कुछ परेशान सी दिख रही हैं। शकुंतला, तुम अपने घर जाओ अभी जल्दी। सुमन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। घबराहट में वो इधर उधर घूम रही थी। मैडम, जरा शांत हो जाइए और बताइए क्या बात है। अरे शकुंतला, जरा टीवी में देखो, न्यूज में बता रहे हैं कि पास वाली घाटी में बादल फटा है और बचाओ। सुमन बालकनी से बाहर जाकर देखती है तो बाहर का नजारा देखकर थर थर कांपने लगती है। उसके सामने बाढ़ का सैलाब था और लोग उसमें आधे आधे डूबे पड़े थे। लोगों की गाड़ियां पानी में तैर रही थी। तभी प्रभात का फोन आ जाता है। सुमन, तुम ठीक हो ना? और शौर्य कहाँ है? मैं ठीक हूँ, शौर्य भी ठीक है, सो रहा है। प्रभात, आप जल्दी घर आ जाइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। सुमन, थोड़ा धैर्य रखो, अपने आप को संभालो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा ऑफिस पानी से पूरा भरा पड़ा है और मैं आधा पानी में डूबा हुआ हूँ। ऑफिस की सारी फाइलें पानी में तैर रही है। मैं जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। तुम शौर्य को जल्दी उठाओ और किसी सुरक्षित जगह पहुँचो। ठीक है प्रभात, तुम अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। सुमन जल्दी जल्दी शौर्य को उठाती है। इतने में उसके घर में भी पानी भरने लगता है। उठो बेटा, जल्दी करो, लो जैकेट पहनो और चलो मेरे साथ। अरे माँ, क्या हुआ और ये हमारे घर में इतना पानी कैसे भरा? शौर्य बेटा, ये पानी नहीं, बाढ़ है। हमारे शहर में बाढ़ आई है और अभी हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, चलो मेरे साथ। सुमन शौर्य को घर से बाहर ले जाती है। बसें डूबी पड़ी थी, गाड़ियां पानी में खिलौनों की तरह तैर रही थी। गाड़ी से जाना सुरक्षित नहीं है, इससे हमारी जान जा सकती है, हमें अब पैदल ही यहाँ से निकलना पड़ेगा। माँ, हम यहाँ से निकल तो पाएंगे? शौर्य इतना बोलता ही है कि बिल्डिंग का मालिक दिनेश, जो बाहर अपने परिवार के साथ खड़ा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था। अरे भाइयों, बिल्डिंग खाली कर दो, जल्दी करो जल्दी, ये बिल्डिंग कभी भी ढह जाएगी। दिनेश भाई, क्या बात है, आप इधर क्यों खड़े हैं? अपनी फैमिली को लेकर कहीं सुरक्षित जगह क्यों नहीं जाते? सुमन बहन, अच्छा हुआ आप पहले ही बिल्डिंग से बाहर आ गईं। ये बिल्डिंग कभी भी टूट सकती है। हे भगवान, इस बिल्डिंग में कोई ना हो। माँ, जल्दी निकलो यहाँ से। कोई तो मेरे बच्चे को ढूंढ दो, मेरा बच्चा कहाँ गया? भगवान रहम कर मेरे पर, मेरे बच्चे को ढूंढ निकाल। तो कोई अपना घर टूटने की वजह से रो रहा था। मेरा सब कुछ छीन लिया, अब मैं क्या करूं, क्या जाऊं? इतने में वहाँ रेस्क्यू टीम भी आ पहुँचती है, जो लोगों को बोट में बिठाकर किसी ऊंची जगह जहाँ पानी नहीं भरा था वहाँ पहुँचा रही थी। वहाँ ऑफिस में प्रभात अभी भी फंसा हुआ था, क्योंकि ऑफिस का दरवाजा पानी की वजह से टाइट बंद हो गया था और ऑफिस में काम करने वाले सभी कर्मचारी अंदर ही फंस गए थे। अरे अरे मर गया, अरे मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही है।
मेरी पत्नी और बच्चों का वहाँ क्या हाल हो रहा होगा। नहीं नहीं, सब ठीक ही होगा। हाँ, लिफ्ट से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। प्रभात, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब क्या? ऐसी हालत में तुम लिफ्ट से जाओगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। हाँ, तुम ठीक बोल रहे हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। यार, सीढ़ी का इस्तेमाल करो और ऊपर छत पर चलो, वहाँ हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। शायद कोई रेस्क्यू टीम हमें देख ले और बचा ले। हाँ हाँ, ये ठीक है, अब जल्दी चलो, यहाँ पानी काफी बढ़ चुका है। ऑफिस के सभी लोग ऊपर छत पर चले जाते हैं और आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर से हाथ हिला हिला कर मदद मांगते हैं। हेलो, हमारी मदद करो, हम सभी यहाँ फंसे हुए हैं, प्लीज मदद करो कोई। पर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता, हर जगह हाहाकार मचा पड़ा था। ऊपर हेलीकॉप्टर से लोगों को खाने का सामान दिया जा रहा था, काफी लोगों को चोटें भी आई थी, डॉक्टर उनके इलाज में लगे थे। सुमन का बेटा शौर्य काफी देर पानी में रहने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार था। शौर्य बेटा, तुम तो कांप रहे हो और तुम्हें तेज बुखार भी है, हमें जल्दी पानी से बाहर निकलना पड़ेगा, मैं किसी से मदद मांगती हूँ। कुछ दूरी पर सुमन को लोगों को बचाते हुए रेस्क्यू टीम के लोग दिखते हैं, वो चिल्लाकर उनसे मदद मांगती है। माँ, अब मैं ज्यादा देर पानी में नहीं रह सकता, बहुत ठंड लग रही है और चक्कर भी आ रहा है, मुझे अभी घर पहुँचना है जल्दी। सर, आप नहीं जा सकते, अगर आप गए तो आपकी जान को खतरा है। आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी और मेरा बेटा वहाँ फंसे हुए हैं, मुझे जाना ही होगा। ठीक है सर, हम आपको वहाँ तक पहुँचा देते हैं। प्रभात को बोट से उसके घर तक ले जाते हैं, पर वहाँ का नजारा देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि जिस जगह वो और उसका परिवार रह रहा था वो बिल्डिंग अब पूरी ढह चुकी थी। ये क्या? मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्हें उन्हें कुछ नहीं हो सकता। तभी पास वाली बिल्डिंग में खड़ा आदमी राकेश गुप्ता बोलता है। प्रभात भाई, तुम्हारे परिवार को कुछ नहीं हुआ, ये बिल्डिंग टूटने से पहले वो दोनों यहाँ से निकल गए थे, बस मुझे इतना ही पता है। राकेश भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए, पर तब मैं उन दोनों को कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, नदी नाले उफान पर थे, नदी का पुल भी टूट चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जाए तो कहाँ जाए। तभी एक पुलिस वाला पानी में होते हुए उसके पास आता है। तुम यहाँ क्यों खड़े हो, दिखाई नहीं देता क्या? ये बाढ़ है, तुम्हें कभी भी डुबो देगी, जल्दी निकलो यहाँ से। सर सर सर, मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया है, मेरी मदद करो प्लीज सर, प्लीज मेरी मदद करो। अच्छा अच्छा, तो ये बात है, तुम वहाँ जाओ जहाँ कैंप लगा है, वहाँ शायद तुम्हारा परिवार तुम्हें मिल जाए। सर, आपका शुक्रिया, मुझे यहाँ तक रेस्क्यू टीम ने पहुँचाया था, पर मैंने उन्हें यहाँ से जाने को बोल दिया और वो लोग मुझे यहाँ छोड़कर जा चुके हैं, अब मैं वहाँ तक कैसे जाऊँ इस बाढ़ से होते हुए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर पुलिस अपने फोन से राहत कार्य वालों को बुलाती है, वो उसे बोट में बिठाकर कैंप तक छोड़ देते हैं। सर, आपने मेरी मदद की, उसके लिए शुक्रिया, ये तो हमारा फर्ज था। कोई मेरी बूढ़ी माँ को ढूंढ दो, ये बाढ़ से पाले गए, इसने मेरा सब बर्बाद कर दिया। कोई अपनों के लिए रो रहा था तो कोई अपने आशियाने के लिए, बाढ़ ने उनका सब कुछ बर्बाद कर दिया। लोगों के बाढ़ के पानी में टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, गाड़ियां सब तैरती नजर आ रही थी। तभी प्रभात के पीछे से एक आवाज आती है। प्रभात, प्रभात, तुम कहाँ चले गए थे, मुझे लगा हम कभी नहीं मिल पाएंगे। सुमन, तुम ठीक तो हो ना? पर हमारा बेटा शौर्य कहाँ है? भीगने की वजह से शौर्य को बहुत तेज बुखार है, चलो मेरे साथ आपको उसके पास ले चलू। शौर्य पलंग पर लेटा हुआ था। शौर्य, मेरे बच्चे, पापा पापा, आप कहाँ चले गए थे, मैं और माँ आपको कितना याद कर रहे थे। मैं आ गया हूँ ना, तुम अब जल्दी ठीक हो जाओ तो हम यहाँ से निकल जाएंगे। शौर्य की तबीयत में पहले से सुधार आ जाता है तो सुमन और प्रभात अपने बेटे के साथ उसके चाचा के घर चले जाते हैं और उनकी जान बच जाती है।